Hey guys, welcome back to our channel Valiant Twins. We hope कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो guys, हम सुनो चंदर ड्रामे के episode 13 पर पहुंच चुके हैं। 12th episode तक हम खत्म कर चुके हैं और काफी मजा आ रहा है guys, क्योंकि वो पिछला episode तो चुटकी बाबा की चुटकी बाबा ने जो मजा दिलाया ना भाई। तो guys, अब आगे देखते हैं, आज हम episode 13 पर रिएक्शन देने वाले। तो चले guys, यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं, साथ में देखते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसका ओएसटी कर रखा हमने। ये आप दोनों तो इफ्तारी पे गई थी ना? हाँ, वापस आ गए। तुम्हें क्या? वो आगा जी, मैंने अपनी सहेली का घर पूरे नॉर्थ नाज़माबाद में ढूंढा और मिला ही नहीं। मजबूरन इफ्तारी से पहले वापस आना पड़ा। आपकी इफ्तारी भी कैंसिल हो गई क्या? और किसका हुआ? हमें भी जरूरत नहीं है इस निकम्मे और ये रिकैप दिखा रहे। क्या है इसकी? इसके पास है क्या? बाप के पैसों पे याची करता है। सही कह रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा जी, इसी कंगाल मुंडे का मैंने ना आपको उसी तारीख को व्याना करके दिखाना, तो मेरा नाम भी शाना नहीं। अब हमारी तरफ से भी इनकारी समझे। लो जी, अब यहाँ भी शाहाना वाला नवा कट्टा खुल गया। भाईजान, हमने ठेका नहीं उठा रखा आपकी बीवी से जलील होने का। चलो भी। अच्छा एक मिनट भाई, मैंने तो प्लान बनाया ना। हाँ, वो हार्ट अटैक का। कुछ ना कुछ कलाकारी मतलब एक मिनट बिलो ये करके ये उसको शाहाना को गला जा रही हो। अपने जिम्मी जी के लिए मत कहा करो जिम्मी, दिल के सारे तार हिल जाते मेरे। अच्छा? जिम्मी और आप जो बिल्लो रानी कहते तो जान ही निकल जाती है। कसम से आज कल शिद्दत से एहसास हो रहा है कि आगे शाहाना की बातों में ना तोड़ता मंगना। हाँ। फिलहाल अपना रोजा तो ना तोड़े, अभी इफ्तार में टाइम है। सॉरी, वो जज्बात की बात है। इसका तरीका अच्छा लगता है वो बोलने। रहने दे, जिस वक्त रहने का वक्त था ना, तब तो आप तैर के जानों के पास चले गए। इंसानों से ही गलती होती है ना, माफ कर दो मुझे, उसी की सजा तो भुगत रहा हूँ आजकल। अच्छा छोड़े, चले हम दुआ करते हैं ताकि मुस्तकबिल में आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। हाँ ये ठीक है। सदके तुम्हारी दुआओं के, सदके माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर तो अफ्तारी हो रहा है, वो भी अकेले अकेले। अरे नहीं नहीं, आपके आने के बाद से तो यहाँ पे पूरी बारात आके बैठ गई है। क्यों जिम्मी जी? बिलो जी, बारात भी आ जाएगा, उसका तुम फिक्र नहीं करो, बस थोड़ा सा इंतजार करो। जलाल भाई, अरबेला नाम है इसका, कलबन मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ, 100 मरतबा बताए, 100 मरतबा। लेकिन जो मजा और मिठास बिलो में है वो अरबेला में किधर है? हम तो इब्राहिम उसने बार बार कहे बिलो 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 द कर, हमने तो वो भी लाया है, अब तुम क्या करेंगे? मासूमा को पता है ये बात? अब इसका जिक्र तुम उसको मत कर देना, वो उसको पता होगा कि जलाल खान इस घर का अकलौता दामाद है। बिलो जी, आप इनको बताओ ना कि अकलौते दामादों को लोग कैसे ट्रीट करता है। वो जैसे अबरारू लग कहता है, वो तेरी नजर बले डांवरगी सनू ट्रीट कर ले। अरे आप कहेंगे ना तो मैं स्पेशल क्लासेस ले लूंगी, लेकिन फिलहाल आप ये शरबत पकड़े, अपने हाथों से बनाया है मैंने। अपने हाथों से बनाया और आपको पिलाओ तो पी लेंगे ना? ओके ना, मैं जरा अंदर रख के आती हूँ, ठंडा हो जाएगा ना शरबत। बाहर से कहाँ से ला रही थी बना के? जलाल भाई मुझे भी इजाजत है, समझ जाए वो। हमने तुमको किधर रोका? जाओ, चलता हूँ। कैसे मरते है? जहाँ औरत जाती है उसके पीछे जाता है, इसको ये पता नहीं है कि औरत के पीछे नहीं जाओ, औरत को अपने पीछे आने दो। हमारा तो रोजा है, लेकिन इसको हम अपने दिल से लगा के रखेगा, ये हमारा बिलोची ने दिया हमको। जब वो तुमसे बात नहीं करना चाह रहा तो तुम उससे जबरदस्ती बात क्यों करना चाह रहे हो? यार तो तुम दोनों की खिचपिच के चक्कर में ना फालतू में मेरी बहन बच रही है।
अच्छी खासी दोस्ती थी हमारी। और आगे तुम यही कहने वाले होगे कि ओ माय गॉड हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा तो ठीक है शरी, अगर तुम्हें इतना बात करने का शौक है तो एक्सप्रेशन बहुत बढ़िया है। अच्छा से बतस्ती उनके साथ दो चार बस गालियां देगा, सुन लेना तुम इत्मीनान से, ठीक है? चौक को है लड़की को मैं अकेला छोड़ के जा सकता हूँ क्या? शुक्र है तुमने थोड़ी अकल आ गई। चलो ऑर्डर करते हैं। देखो तो देखो जा रही है। प्राइवेसी का जिक्र तो ऐसे कर रहा था जैसे अफेयर चल रहा हो उसका किंजा के साथ। वैसे भी असल जैसे निकम्मे लड़कों के लिए खानदान की बेचारी लड़कियों को ही कुर्बानी देना पड़ती है। टांग पर टांग रखे तो ऐसे बैठी है जैसे दुबई में शहरी का नहीं उसका बिजनेस चल रहा हो। शुक्र है जान छूट गई इस लोमड़ी से, बल्कि इस मक्कार लोमड़ी से, वरना जिंदगी अजाब बना रखी थी। बहुत जल्द किंसा को भी पता चल जाएगी इस मनहूस की औकात। तमीज तो नाम की नहीं है और अभी भी दूर से ऐसे बैठ कर घूर रहा है जैसे ना साले में निकल जाएगा। मुझे इस शहरी बेवकूफ को अंदाजा ही नहीं कि इसकी सूरत में जिया को ना एक कुर्बानी का बकरा मिल चुका है जिसे इस्तेमाल करके वो लंदन पहुंच जाएगी और फिर इसे खुदे लाइन लगा देगी। ऐसा क्या हुआ, आप इतने खामोश क्यों हैं? नहीं कुछ नहीं, चले अम्मा घर पे अकेली होंगी। जी बिल्कुल, वो मुझे डिनर पे बहुत मजा आया है। थैंक यू सो मच। ऐसा कैसी है, मतलब ज्यादा सीधी है, बहुत ज्यादा। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें भी बिल्कुल फजूल, नकारा और कंगाल लगता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? आखिर जमशेद मामू का माशाल्लाह से इतना अच्छा बिजनेस जो है, और वो भी आप ही संभालेंगे। एग्जैक्टली, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। समझ के लिए ना बेटा, बिल प्लीज। समझा समझा के थक गया हूँ। बिल यार प्लीज। सर बिल पे हो चुका आपका। हाँ किसने दिए? वो सामने वाली टेबल पे जो बैठे हुए थे ना, शायद शेरियार नाम था उनका, उन्होंने बिल पे कर। ओए यार नवा गट्टा खुल गया। आए अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिए इस चुटकी बाबा ने। किस बर्तन ये आप अकेले में किससे बातें कर रही हैं मुमताज बेगम? दीवारों से। जीते जागते लोगों के होते हुए आपको दीवारों से बातें करने की क्या जरूरत पड़ गई? हजार दफे मना किया, मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। तो हमने कौन सा ताजमहल बनाने के बारे में आपसे मशवरा मांग लिया? ताजमहल शक्ल देखिए अपनी। उस शाहजहां से तो बहुत अच्छी है जिसने अपनी मुमताज बेगम के लिए ताजमहल बनवाया था। फिलहाल अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़ें और फरमाए कैसे आना हुआ हमारे किचन में। वो अगर आपके हाथ की बनी हुई एक प्याली मिल जाए चाय की तो खुदा की कसम जिंदगी हसीन हो जाएगी। कैसी रंगीन बातें करते हो। अरे अपनी उम्र देखिए, ये उम्र है इस तरह की बातें करने की? कब्र में पांव लटक रहे क्या हो गया? थोड़ा सा मसाज करते हैं, दिमाग फट रहा है मेरा। ये बेटा फजूल बातें सुनोगे तो यही होगा ना। जब आ जाओ आराम से बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तेल भी लगा दूंगी तुम्हें। जी अच्छा। वो चाय की प्याली में की इलायची भी अगर डालते हैं, ऐसे कह रहा था। इलायची डाल, जहर ना डाल दूं मैं। ये भूल मजे लेता है। क्या हुआ अगर शरी ने बिहेव कर भी लिया तो? होता है किंसा, जरूर उस जिया की बच्ची ने उसको ये करने को कहा होगा। उसे बहुत कंगाल। हाँ वो तेज हो सकता है। जिया ने कह भी दिया तो क्या हर्ज है, आखिर हम कजन्स हैं। कजन्स हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि अपने पैसों का थप्पड़ मार के जाए मेरे मुंह पर। होगा लैंडलॉर्ड बिजनेसमैन अपने घर पे, लेकिन उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मेरा बिल दे के जाए। अच्छा प्लीज छोड़े इस बात को। छोड़ूंगा तो नहीं, मैं जा रहा हूँ रोमियो जूलियट से मिलने घर। अपने घर? हाँ, अगर तुमने चलना है तो बताओ वरना मैं तुम्हें अम्मा के पास ड्रॉप कर देता हूँ। जी फिर आप मुझे मुमाई जान के पास ही छोड़ दें। मैं ये नहीं चाहती कि हम
घर जाए और फिर बाबा नाने कर लेते हैं। ओके ये समझ आ रहा है। इसे गुस्सा भी आ रहा है। यार अगर तुम दोनों का प्लान था तो हमसे शेयर तो करते, हम लोग साथ आ जाते, साथ एंजॉय करते। नहीं वो एक्चुअली किंजा ने कहा तो मैं मना नहीं कर सका। सेम जिया भी मुझे काफी फोर्स कर रही थी किसी रेस्टोरेंट आना। आजो साथ बैठते हैं, साथ डिनर करते हैं। नहीं थैंक यू, एक्चुअली मेरी और किंजा की प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी, डोंट माइंड प्लीज। ये बातें लग रही है इसको, ये चुप गई से बातें। बहुत ही बढ़िया यार। गाइस जिया को बातें चुप चुकी हैं जो अर्सल ने कहा था। नहीं वहां पे मतलब बात भी ऐसी हो रही थी ना कि मतलब प्राइवेसी हमारी डिस्टर्ब हो गई हो रही है। हां यार मतलब मजा आ रहा था, और ऊपर से बिल पे कर दिया शहरयार ने, बिल पे कर दिया तो भाई। और वो इतनी खुश है यार, वो किंजा इतनी खुश है ना कि भाई किंजा तो मतलब हमारी डेट चल रही है, डेट चल रही है, बहुत अच्छा लगा उसको। बोल बोल भी तो रही थी वो, बहुत अच्छा लगा। मतलब इतनी सुलझी हुई लड़की और इतनी मतलब शरीफ लड़की, बहुत ज्यादा शरीफ है भाई, निहायत ही शरीफ यार। कहां मिलती है भाई लड़की यार, जो मतलब कह रहे हैं वो हां में हां मिला रही है वो। हां जो ये एक चीज है वो उसको मतलब ना नहीं कर सकते किसी चीज के लिए। किंजा ऐसी लड़की है, वो पूछ रहा है कि मैं ना खा रहा हूँ, मैं काम नहीं करता। हाँ हाँ तो कह रही है कि आपका बिजनेस है, आपको संभालना है, तो यही बात हो रही थी। और उसमें वो बिल्लो जी का जो वो आया था, वो किंजा के बारे में ना ये सोचता नहीं कुछ। हाँ हाँ वो किंजा सोचती है, तो ऐसी कोई मतलब वाइब है नहीं कि मतलब ऐसी वो शहरयार के साथ प्यार वाली वो नहीं सोचती। हाँ लेकिन शहरयार सोचता है, थोड़ा थोड़ा सोच रहा है उसके बारे में। ये दोनों आपस ये मतलब अपने बारे में ही सोच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में, अरसल और जिया। तो इन दोनों को बातें चुभ रही है। और उधर यार वो बिल्लो जी और वो तीनों का जो वो चल रहा है ना ट्राइंगल, बहुत बढ़िया चल रहा है यार वो। जलाल भाई साहब पीछे पड़ा हुआ है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है यार उसका भी, मतलब सही लग रहा है बिल्लो जी के आने से ना, और सही हो गया है वो, क्योंकि उसके साथ ही बिल्लू के साथ ही वो सही लग रहा है। हाँ क्योंकि वो जो बातचीत है उनकी, जो कॉमेडी हो रही है ना, तो मजा आ रहा है। और ये शाहजहां और मुमताज की भी सही जमती है, इनका ना ज्यादा नहीं दिखाते, जितना भी दिखाते हैं उसमें मजा आ जाता है, क्योंकि वो उनकी तो यार हाजिर जवाब ही है, हाजिर जवाब ही है, बिल्कुल वो नेक्स्ट लेवल है। मुमताज यार क्या क्या जवाब देती है यार, और वो भी अब धीरे धीरे करके खुल चुका है, उसके आगे खुल चुका है, चाय की प्याली बना दो, इलायची डाल दे, काफी मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलना गाइस, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है।